हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू राजेंद्र। तो गाइस, अभी कमिस वीडियो में करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस देखिए, ये फोटो गणपति विसर्जन के ऊपर एडिटिंग होने वाली है, और वैसे गणपति के ऊपर मैंने पहले ही और वीडियो डाल रखी है, तो गाइस आप हमारे चैनल पर उसको चेक कर सकते हो। एंड गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज हुए उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा आईडी का, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस, अगर अभी हमारे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। एंड यार, वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। तो इसलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने इस बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना, और गाइस पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद सिंपली इसको रिसाइज कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस हम सिंपली इसको मैक्सिमम रिसाइज कर लेते हैं, और यहाँ पर गाइस इसको रिसाइज करने के बाद आपने सिंपली ऐड फोटो पर चले जाना है, और यहाँ पर हमें अपने गणपति जी की पीएनजी लेनी है। तो गाइस, ये विसर्जन वाली फोटो एडिटिंग वाले, तो यहाँ पर हम वाटर वाले बैकग्राउंड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली गणपति जी को अपने थोड़ा लेफ्ट साइड में कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली गाइस ऐड फोटो पर चले जाएंगे, और गाइस यहाँ से हम अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं, और सिंपली गाइस इसको फ्लिप करके हम दूसरी तरफ घुमा देंगे, और गाइस इधर घुमाने के बाद हम सिंपली इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद से क्या करेंगे, हम फिर से ऐड फोटो पर जाएंगे। तो यहाँ से गाइस हम ऐड फोटो पर जाते हैं, और जो हमने बैकग्राउंड ऐड की थी गाइस, उसको ऐड कर लेना है आपने, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से होगा, और इसको ऐड करने के बाद से आपने सिंपली इरेजर पे जाना है, हार्डनेस 0 करनी है, और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, और गाइस आप ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम रख सकते हो। तो हम यहाँ पर इसको सिंपली ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके इरेज करते आएंगे। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से इरेज करेंगे, और जो हमारा जहाँ पर वाटर स्प्लैश हो रहा है गाइस, उधर को आपने थोड़ा अच्छे से इरेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हम सिंपली इसको परफेक्टली इरेज कर लेते हैं, फिर अभी आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ नीचे के साइड में परफेक्टली कर लिया है, बट यहाँ पर देखिए ऊपर थोड़ा सा रह गया, तो हम सिंपली ऊपर की तरफ इरेज कर देंगे। और यहाँ से गाइस ऊपर से इरेज करने के बाद से हम सिंपली अब क्या करेंगे, अपने फोटो को यहाँ से गाइस डन करेंगे, और यहाँ से डन करने के बाद से हम क्या करते हैं गाइस, फिर से ऐड फोटो पर हम चले जाते हैं, और यहाँ से जो हमारा एक और वाटर स्प्लैश का पीएनजी मिलेगा गाइस, आपने उसको ऐड कर लेना है, और यहाँ पर अपने पैरों के पास इसको लगा देना है। इसको गाइस लगाने के बाद से ऐसा लगेगा कि पानी की बूंदें छिटक रही हो, तो हम इसकी ओपेसिटी को रखेंगे अबाउट 60%, और गाइस सिंपली इरेजर पे जाएंगे हम, और इसमें क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी और हार्डनेस कम कर देंगे, और सिंपली गाइस इसको नीचे से हल्के से इरेज कर देंगे, ठीक है, ताकि ये इसमें मर्ज हो जाए। तो हम सिंपली उसके बाद से इसको डन कर देंगे, और गाइस फिर से हम ऐड फोटो पर जाएंगे, और सेम पीएनजी ऐड करेंगे, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, और सेम प्रोसेस गाइस अपने गणेश जी वाले पीएनजी के पास भी करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको लगा देते हैं, और सिंपली यहाँ पर इरेजर पे जाके इसकी हार्डनेस कम करके और ओपेसिटी कम करके हम सिंपली इसको नीचे से इरेज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम डन करते हैं, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो गाइस हम इसको 70% रखते हैं, और उसके बाद इसको हम डन कर देंगे। तो गाइस सिंपली डन करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड फोटो पर जाएंगे, और यहाँ से हमें ये वाली पीएनजी ऐड करनी है, तो सिंपली यहाँ पर हम इसको कोने में ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे। तो आपने इसके साइज़ को कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर रखना है, तो यहाँ पर छोटा सा ही रखना है, तो हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद से इसको डन कर देंगे, और डन करने के बाद से हम ऐड फोटो पर जाते हैं, और यहाँ से जो हमारी टेक्स्ट पीएनजी है गाइस, उसको हम ऐड कर लेंगे। तो गाइस उसको ऐड करने के बाद से हमने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ इसको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो देखिए अब सही लग रहा है, तो सिंपली यहाँ से डन करेंगे, और जो हमारी लास्ट पीएनजी बची है स्मोक वाली गाइस, हमने उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हम सिंपली स्मोक वाली पीएनजी जो है उसको बड़ा करेंगे। तो देखिए आपने साइज इसको कुछ इस टाइप से रखना है, जूम करके कुछ इस टाइप से रखना है, तो ये देखिए सही लग रहा है। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद सिंपली हम इरेजर पर ले जाते हैं इसको, और इसकी ओपेसिटी और हार्डनेस कम करेंगे, और सिंपली हम यहाँ से ऊपर से इरेज कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने ओपेसिटी कम नहीं की, तो हमने आप बैक कर लेना है, और फिर यहाँ पर ओपेसिटी कम करके और फिर इस पर से हल्के से इरेज कर देना है, और फिर यहाँ से गाइस हम इसको डन कर देंगे अब। तो गाइस देखिए, अब हमारे पिक्सआर्ट का काम तो हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉ टूल में जाते हैं, और यहाँ से गाइस अपने फोटो को करते हैं सेव। तो गाइस हम यहाँ पर अपने लाइट रूम में आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लाइट्स पे जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा कंट्रास्ट है इसको -20% रख देते हैं, फिर हाईलाइट्स को गाइस माइनस के हम 40% रखेंगे, और शैडो को हम इंक्रीज कर देंगे 44%, ठीक है। और फिर गाइस वाइटीज जो है उसको हम माइनस के 20 रख देंगे,
फिर ब्लैक्स को गाइस हम माइनस के 30% रखते हैं, इसको नहीं हम 25 के आसपास रखते हैं, ठीक है। और फिर गाइस यहाँ पर हम टेम्प को 10% इंक्रीज कर देंगे, और जो हमारा टिंट है उसको हम रख देंगे 15 या 14%। तो यहाँ पर गाइस हमने माइनस के 14% रख लिया है, तो हम सिंपली मिक्स टूल पे जाएंगे और यहाँ पर ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, और आपने इसकी लुमिनस को थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है ताकि थोड़ा फेस वेस में लाइट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, और उसके बाद हम सिंपली नेक्स्ट वाले टूल में जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा टेक्सचर है इसको 30% रख देते हैं, और गाइस क्लियरिटी को थोड़ा सा 10-15 रख लेना है आपने इसको। और डीएस गाइस हम चेक करते हैं, तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो हम इसको रहने देते हैं, और गाइस विग्नेट को हम रख देते हैं माइनस के 20%। फिर गाइस हम नेक्स्ट वाले टूल पर चले जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा गाइस शार्पनिंग है इसको हम रख देते हैं 40% के आसपास रख देते हैं, ठीक है। और जो हमारा मास्किंग है इसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे 15 के आसपास, और नॉइस रिडक्शन गाइस भी आपने रख लेना है 24%। तो गाइस देखिए अब हमारी फोटो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है, बिफोर एंड आफ्टर अभी आप देख सकते हो। गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।